ये सारी जमीन अंकल लोग की, और यहाँ पर अंकल एक काम कर रहे हैं विलेज का, और मैं आपको बैक कैमरे की मदद से भी कुछ ना कुछ सीन दिखा देता हूँ सारा जो यहाँ पर है। गाइस ये आप देख सकते हैं किस तरह विलेज में ना लोग मेहनती लोग होते हैं, किस तरह काम कर रहे होते हैं ये अंकल जी कर रहे हैं। अभी आपको लग रहा है ना अंकल काम कर रहे हैं, हालांकि ये जो सारा एरिया है ना तकरीबन जो रकबा है ये सारा ये अंकल लोगों का है। और अंकल जी ये जो आप ये काम कर रहे हैं ये किस चीज़ का काम कर रहे हैं, यहाँ कौन सी फसल होनी है? दांज। दांज को कहते हैं चावल, अंकल ने कहा है दांज होना है। और वहाँ हेलो जी, तो वेलकम एन अदर व्लॉग वीडियो। तो यार डकी भाई बनने की कोशिश कर रहा था लेकिन नाकाम डकी भाई। तो आज सीन ये है कि भाई आज सारा दिन जो मैं घर सोया रहा हूँ और अभी उठा हूँ, मुँह शू धोया और फिर मैंने कैमरा ही उठा लिया मुँह धोने के बाद। और मैंने किया क्या, मैंने कहा यार आज आपको ना अपने पूरे विलेज की सैर कराएं, सारा जो विलेज है ना। पहले तो मैं आपको कभी दिखा रहा था, कभी खेत दिखा रहा था और फिर कभी आ रहा था ट्यूबवेल। आज ना अपने सारे विलेज की सैर कराएं, तो मिलते हैं आपको उसी जगह पर जाकर, क्योंकि यहाँ से अभी आधा किलोमीटर मुझे पड़ जाएगा। सो गाइस अभी मैं पहुँच चुका हूँ, ये आप देख सकते हैं भाई फाइनली थोड़ा सा सफ़र करने के बाद मैं यहाँ पहुँच चुका हूँ। और मैं आपको एक और जो सीन दिखा रहा हूँ कि वो देखें, यहाँ पर भैंसें जो खड़ी हैं किस तरह ये चरती हैं इधर खेतों में, आपको नज़र आ रहा होगा सारा ये यहाँ पर किस तरह खेतों में भैंसें चर रही होती हैं, वो भी एक भैंस खड़ी है। तो ये तो था यार, इसे कहते हैं ज्वार, ये होती है जो भैंसे वगैरह इन्हें खाते हैं। इसके अलावा ये ज्वार थी मैंने आपको दिखाई, और ये है कपास। मैं आपको थोड़ा सा नीचे लेके जाता हूँ कपास के पास, बैठ भी जाता हूँ आपके साथ क्योंकि यार पूरा विलेज टूर आज मैंने करवाना है आपको। ये होती है कपास, और इधर कपास के डोडे होते हैं जहाँ पर कपास होती है यहाँ पर इन डोडों के ऊपर। ये थी सारी कपास मैंने आपको दिखाई, मैंने आपको वो दिखाया जो ज्वार दिखाई, भाई ज्वार भी है। इसके अलावा वो आगे मौजूद है जंतर। जंतर का काम क्या है भाई, जंतर जो है ना बकरियाँ बकरे भेड़ इस तरह की जो चीज़ें हैं जो एनिमल है ये खाते होते हैं, ये जंतर है। जंतर की कुछ मैं आपको शेप दिखा देता हूँ, ये मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ये चीज़, ये जंतर है ये मेरे पीछे आप देख रहे हैं। मैं आपको इस साइड से भी दिखा देता हूँ, यहाँ पर ये सारी चीज़ जो है ये जंतर है और आप देख सकते हैं। इसके अलावा नीचे मैं जाता लेकिन नीचे जो है पानी काफ़ी ज़्यादा तो पाऊना ख़राब हो जाए, एक बार ट्राई मैं आपके साथ कर लेता हूँ। ओए नीचे पानी बहुत ज़्यादा, मैं फिर भी नीचे उतरा हूँ आपको दिखाने के लिए ये जंतर। और मैं अब ऊपर के जाने जाता हूँ क्योंकि मेरे कपड़े ना ज़्यादा ख़राब हो जाएँ। तो भाई आपकी खातिर यकीन मान जाओ मैं नीचे जो पानी लगा पड़ा था मैं उसके अंदर गया हूँ और मैंने अपने जूते ख़राब किए, मेरे जो पोंछे ख़राब हो गए नीचे कपड़ों के, किस लिए भाई आपके लिए। और अब आप भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे तो यार मर्जी है आपकी, चैनल को सब्सक्राइब ठोको, तब तक हम आपको मिलेंगे थोड़ी सी आगे जाकर। सो गाइस अब फाइनली मैं ना थोड़ा बहुत चलने के बाद यहाँ आगे पहुँच चुका हूँ, और ये आप देख सकते हैं ज्वार है। मैं आपको काफ़ी करीबी से दिखा रहा हूँ, काफ़ी करीब से ये ज्वार है। इसके अलावा ना यहाँ पर भिंडियाँ भी हैं, ये भिंडियाँ आप देख पा रहे हैं, इन्हें भिंडियाँ कहते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। भिंडियाँ नहीं तो इन्हें भिंडियाँ कहते हैं, ये क्या है भाई इधर आप बता देना, तिल। मुझे लग रहा था ये भिंडियाँ लेकिन ये भाई बता रहे हैं ये इधर की रिएक्शन, ये क्या चीज़ है? तिल। तिल पता नहीं तिल क्या होता है, ये क्या काम करता है भाई तिल वगैरह? बहरहाल यार उसे भी इतना नहीं पता, वो कह रहा था ये भिंडियाँ नहीं है ये तिल है। मैं आपको दिखा देता हूँ इसकी थोड़ी सी फुटेज, आप देख लें आपको क्या लगता है बैक कैमरे की मदद से। तो ये आप देख पा रहे हैं ये जो इसकी फुटेज है, इसके अलावा मैं आपको इसको काफ़ी बारीकी से भी दिखा देता हूँ ये चीज़, ये देख सकते हैं ये बारीकी से मैंने आपको दिखाया, ये सारा व्यू मैं आपको दिखा रहा हूँ। अब मैं आपको थोड़ा सा आगे जाकर मिलता हूँ क्योंकि इस तरह तो भाई ब्लॉग काफ़ी बड़ा हो जाएगा। सो गाइस वहाँ से चलते चलते आप देख सकते हैं वहाँ धूप से चल चल कर फाइनली यार मैं छाँव पर पहुँचा हूँ जहाँ छाँव है, ये ऊपर दरख्त लगा हुआ है। तो यार यहाँ पर छाँव का ना अपना ही मज़ा है, यहाँ पर हवा चलती है ठंडी, ये पत्ते आप हिल रहे हैं देख सकते हैं, और यार जिस हवा में जो मज़ा है ना सही बात है बहुत ही लेविश किस्म का मज़ा है। और ट्यूबवेल भी आगे चलती है, थोड़ा सा वो सीन दिखाता हूँ और फिर थोड़ा सा अपना विलेज दिखाता हूँ और फिर लोग का इख्तिताम कर देंगे। तो गाइस अभी थोड़ी देर बाद मैं आके पहुँचा और यहाँ पर अंकल खड़े हैं, ये जो सारी ज़मीन अंकल आपकी है, ये सारी ज़मीन अंकल लोग की, और यहाँ पर अंकल एक काम कर रहे हैं विलेज का,
और मैं आपको बैक कैमरे की मदद से भी कुछ ना कुछ सीन दिखा देता हूँ सारा जो यहाँ पर है। गाइस ये आप देख सकते हैं किस तरह विलेज में ना लोग मेहनती लोग होते हैं, किस तरह काम कर रहे होते हैं। ये अंकल जी कर रहे हैं, अभी आपको लग रहा है ना अंकल काम कर रहे हैं, हालांकि ये जो सारा एरिया है ना तकरीबन जो रकबा है ये सारा ये अंकल लोगों का है। और अंकल जी ये जो आप ये काम कर रहे हैं ये किस चीज़ का काम कर रहे हैं? यहाँ कौन सी फसल होनी है? धान। धान को कहते हैं चावल। अंकल ने कहा है धान जो है और वहाँ पर कुछ ना ओ अगर ना जाओ ये देखें यहाँ पर धान कुछ ना कुछ लगा भी पड़ा है। मैंने आज आपको अपना पूरा विलेज टूर करवाना है और इसका ब्लॉग थोड़ा सा लेंथ बढ़ी होगी। वहाँ पर लोग देख खड़े होकर लगा रहे हैं धान वगैरह उस जगह पर भी। इसके अलावा यहाँ पर जो काफ़ी ज़्यादा हवा चल रही है और जो अंकल जी काम कर रहे हैं काफ़ी मेहनत का काम है। बस अल्लाह पाक से हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक अंकल की उम्र दराज फरमाए, जिन्होंने हमें टाइम दिया, कुछ हमें बताया, कुछ हमें नॉलेज दी। सो गाइस देखा कि अंकल किस तरह काम कर रहे थे। यहाँ पर विलेज में लोग बहुत मेहनती होते हैं, विलेज के लोग जो रहते हैं वो मेहनती होते हैं। किस तरह वो अंकल इतना हार्ड वर्क कर रहे थे अकेले ही, यहाँ पर अकेले ही उन्होंने सारा काम किया। मैं आपको दिखा दूँ ना कि एक दो मुरब्बे ज़मीन है वहाँ पर अंकल सुबह से लगे खड़े हैं और अभी देख सकते हैं सारा किस तरह उन्होंने आगे किया सारा काम। और यहाँ पर लोग देखिए किस तरह दांज लगा रहे हैं, वहाँ पर आदमी खड़े दांज जो कहते हैं चावल लगा रहे हैं। वहाँ आगे ट्यूबवेल भी चल रही है, ट्यूबवेल की मैंने अलहदा वीडियो बनाई हुई जिसका लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में या फर्स्ट कमेंट बॉक्स में। इसके अलावा आज थोड़ी सी सरसरी नज़र जो है फिर ट्यूबवेल पर डाल लेते हैं। यहाँ पर ये लगा हुआ है क्या, इसे ज्वार, ये ज्वार लगा हुआ है, मैं भूल जाता हूँ बार बार। ये क्या है? तिल। ये है तिल। और ये क्या है भाई? मेरे साथ मेरे एक भाई मौजूद हैं, इधर आ जाएं भाई जाना। ये हैं उम्र के तो छोटे हैं लेकिन मेरे से ज़्यादा इनको पता है इस चीज़ का, मेरे से उम्र में छोटे हैं। ये शतूत। यार अगर आपने शतूत नहीं सुना हुआ ना तो पता नहीं शतूत को उर्दू में क्या कहते हैं, फिलहाल मेरे जहन में भी नहीं आ रहा। बहरहाल पंजाबी में हम शतूत कहते थे, बड़े मीठे होते हैं खाने में। यार सही बात है, अगर आप कभी हो ना, हाँ कभी आपका भी यानी कि मूड बने शतूत खाने का तो यार ज़रूर खाइएगा। बड़े मीठे, बड़े रस वाले होते हैं, बड़े मज़े के होते हैं। और वहाँ पर भी एक ट्यूबवेल चल रही है, वहाँ पर मस्जिद है। विलेज में मस्जिद किस तरह होती है ये भी मैं आपको दिखाऊंगा, किस तरह यानी कि मस्जिद होती है विलेज में, लोग नमाज पढ़ते हैं। अभी थोड़ा सा ट्यूबवेल पर नहाते और फिर अपने घर जाएंगे। कल ट्यूबवेल पर मैंने आपको एक सेपरेट वीडियो में बताया था कि किस तरह जो है वो ट्यूबवेल जो है चल रही थी। आज भी ट्यूबवेल वो चल रही है, एक सरसरी निगाह डालेंगे। जो सेपरेट वीडियो मैंने अकेले ट्यूबवेल पर बनाई थी उस वीडियो का लिंक हम दे देंगे डिस्क्रिप्शन में या फर्स्ट कमेंट बॉक्स में। अब छोटी सी सरसरी निगाह जो है ट्यूबवेल में डालते हैं और फिर विलेज की मस्जिद दिखाते हैं और फिर घर चलेंगे। पूरा होम यानी कि होम कह रहा हूँ सॉरी, पूरा विलेज का टूर हम आपको दिखाएंगे। तो गाइस ट्यूबवेल का शोर भी आ रहा होगा, मैं काफ़ी करीब करके जो है माइक पे वीडियो बना रहा हूँ, ट्यूबवेल का शोर भी आ रहा होगा। फिर मैं ट्यूबवेल पे आया हूँ, सिर्फ दो मिनट ये रिकॉर्ड करनी है, पूरा विलेज दिखाना है, विलेज में हर चीज़ क्या होती है। ये ट्यूबवेल है जहाँ पर बच्चे नहा रहे होते हैं। ट्यूबवेल पर एक सेपरेट वीडियो जो मैंने बनाई हुई है उसका लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में या फर्स्ट कमेंट बॉक्स में। यहाँ पर ट्यूबवेल होती है जहाँ पर बच्चे नहा रहे हैं। अभी मैं भी नहाऊँगा और फिर आपको मिलेंगे वापस घर जाकर, घर जाकर नहीं जो विलेज का थोड़ा बहुत और टूर करा कर। अभी हमने ट्यूबवेल को है जो लीव किया है, ट्यूबवेल को लीव करने के बाद अब हम जा रहे हैं अपने घर। और पहले भी आते हुए मैंने आपको अपना जो विलेज का टूर है वो करवाया किस तरह मेरा यह विलेज है, और अभी मैं आपको वाकई में भी कुछ ना कुछ दिखाऊंगा जो हो सके। यार लोग थोड़ा सा लंबा हो इसलिए भाई मैं शॉर्टकट में अब बोलूँगा, पहले मैं थोड़ा सा ज़्यादा बोलता था, मैंने आपको कहा था लोग लंबा होगा, लेकिन अब मैं यही करूँगा कि भाई लोग को ज़्यादा लंबा ना किया जाए। और अब जो काम काम के पॉइंट होंगे सिर्फ आपको वही दिखाएंगे। जब हम थोड़ा सा आगे आ चुके हैं यहाँ पर सारे नहाने के बाद सब देखे किस तरह बच्चा पार्टी, वो पीछे दीता भाई हैं वो भी नहा रहे हैं हमारे साथ। और यहाँ पर आगे ये देख सकते हैं यहाँ पर कुछ पौधे हैं, इसके अलावा यहाँ पर पीछे भी जंतर वगैरह ज्वार वगैरह जो हैं आप देख सकते हैं। और ये भी कुछ पौधे हैं जिन्हें मैं कह रहा था, ये दूसरे इन्हें मैं कह रहा था कि ये भिंडिया के पौधे, हालांकि भिंडिया के पौधे नहीं थे ये तो तिल थे, बाद में मुझे खुद पता चला है। और वहाँ सामने आम का पेड़ है, वहाँ आम का दरख्त है, मैं आपको वो भी दिखाता हूँ थोड़ा बहुत सीन आम के पेड़ का। ये देखिएगा ये है आम का पेड़, यहाँ पर अभी आम नहीं हुए, जो हुए जो उन्होंने तोड़ लिए हैं क्योंकि आम का मौसम पिछले दिनों में। ये आम का पेड़ है सारा यहाँ पर विलेज में। और अभी मैंने आपको पहले बताया था कि मैं मेन पॉइंट आपको दिखाता हूँ, और अभी मेन पॉइंट ही आगे जाके मिलेंगे आपको। तो गाइस ये है जहाँ पर मस्जिद वगैरह, ये हमारे विलेज की मस्जिद जो आप देख रहे हैं, मैंने ये तो थी छोटी सी मस्जिद जहाँ पर लोग नमाज पढ़ते हैं, इसके अलावा एक दो बड़ी मस्जिद भी मौजूद है। तो गाइस ये आप देख पा रहे हैं ये है हमारे विलेज की मस्जिद, मैं आपको जूम करके भी दिखा देता हूँ थोड़ा सा। इसके अलावा तीन चार बड़ी मस्जिद भी मौजूद है, ये एक छोटी सी मस्जिद हमारे विलेज में है।
सो गाइस ये है हमारे विलेज की प्यारी सी सड़क जहाँ पर हम चल रहे हैं। ये मजबूत सड़क है काफ़ी ज़्यादा। इसके अलावा यहाँ पर आसपास भी मैं आपको कुछ ना कुछ दिखा रहा हूँ। जहाँ खेत वगैरह हैं वो सामने आप देख पा रहे हैं, वहाँ ट्यूबवेल चल रही है। इसके अलावा यहाँ पर लोग खेती बाड़ी कर रहे हैं, अपने काम में मसरूफ हैं। मैं आपको फोर्थ व्यू दिखा देता हूँ, चारों के चारों व्यू। यहाँ पर ये जो आप पेड़ देख रहे हैं, ये वाले यहाँ पर ये पेड़ काफ़ी ज़्यादा लगे हुए हैं। पीछे भी आप देख सकते हैं और पीछे तक, इसके अलावा यहाँ भी लगे हुए हैं। यहाँ पर ये सारा आप देख सकते हैं, इनको कहते हैं किकर के पेड़। ये किकर के पेड़ है, ये आप देख सकते हैं, ये वहाँ से लेकर वहाँ से शुरू हो रहे हैं आगे तक, ये यानी कि ये जा रहे हैं। ये इस साइड में नहीं, दूसरी साइड में भी हैं। दूसरी साइड में मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये सारे दूसरी साइड में भी मौजूद हैं। इन्हें हम कहते हैं किकर का पेड़ पंजाबी में, उर्दू में पता नहीं क्या कहते हैं, मुझे खुद नहीं पता। पता तो आपको बता देता मैं भी, इसे भी उर्दू में यही किकर ही कहते हूँ। ये थे किकर के पेड़, और आगे वो है विलेज का पोल्ट्री फार्म जहाँ पर मुर्गियाँ वगैरह पलती हैं। आगे जाने की मेरी हिम्मत नहीं है क्योंकि भाई चल चल के पहला मेरा बुरा हाल हो चुका है। यहीं से 4x जूम मारते हैं या 5x, आपको सारा सीन दिखा देते हैं। वहाँ पर पीछे जो है, वहाँ पीछे मैं आपको दिखा रहा हूँ, वहाँ उस साइड पे वो है पोल्ट्री फार्म विलेज का जो पोल्ट्री फार्म है वो है। आगे चलने की मेरी इतनी हिम्मत नहीं है, मैं आपको नहीं दिखा देता। क्यों ना यार बैक कैमरे से 5x 6x का जूम मार कर आपको दिखा दे सारा सीन। यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं, ये सामने विलेज का पोल्ट्री फार्म है जिसे मैं जूम करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पर देसी फार्मिंग सब मुर्गियाँ पलती हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो अंडे वगैरह भी दस्तियाब होते हैं गर्मी सर्दी दोनों में। ये जो है विलेज का पोल्ट्री फार्म है जहाँ पर मुर्गियाँ वगैरह पालते होते हैं, मैंने आपको जूम करके भी दिखाया है। सो गाइस विलेज का जो पोल्ट्री फार्म जो हमारा था वो आपने देखा कितना शानदार, वो देख के मेरे पीछे एक दोस्त जा रहा था, वो कह रहा क्या कर रहे हो। तो कितना शानदार जो था हमारा विलेज का पोल्ट्री फार्म था यार, हमारे लिए हमारा विलेज यानी कि जहाँ पर एक बंदा शुरू से लेकर बचपन अपना गुजार देना, उसके लिए वो ना जो प्लेस होती है वो काफ़ी अहमियत की हामिल होती है। और अब कोई सीन हुआ तो वो दिखा देंगे, अगर कोई दिखाने का हुआ तो फिर, नहीं तो नहीं घर जाके मिलेंगे। सो गाइस अभी फाइनली यार मैं घर पहुँच चुका हूँ, और ये घर पहुँचने के साथ मैंने अपना दरवाज़ा जो है वो खोला और यहाँ पर बंद कर दूँ, और अब मैं घर पहुँच चुका हूँ। और आज के लिए इतना ही यार, मिलते हैं नेक्स्ट धमाकेदार मजेदार व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर।